तो हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी अपने वीडियो बनाकर YouTube पर डालना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आप भी ऐसे ही YouTube पर वीडियो बनाकर डालना चाहते हैं और YouTube पर अपना एक चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, और यदि आपने सुना हो तो YouTube से कुछ पैसे भी आते हैं, तो यदि आप लोग YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, ठीक है, कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, YouTube चैनल बनाने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको YouTube से जुड़ी ऐसी ही आगे वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए फिर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि YouTube चैनल कैसे बनाना है और क्या करना। बात करते हैं कि यदि आपको अपना वीडियो बनाना है और YouTube पर डालना है तो YouTube पर वीडियो डालना बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वीडियो बनाते समय थोड़ी बहुत गलतियां ना हो। वीडियो शूट करते समय आजकल मोबाइल में ही सभी मोबाइलों का कैमरा बहुत अच्छा होता है। वीडियो एडिट करना हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है। वीडियो शूट करने के बाद उसे एडिट करना होता है। एक ऐप है जिसके थ्रू आप उसमें वीडियो को डाल करके और जो भी वीडियो की गलतियाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको काट सकते हैं, तो उसे बोलते हैं वीडियो एडिटर एप्लीकेशन, ठीक। या आपको फिल्टर वगैरह लगाने होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में फिल्टर लगते हैं, तो उसी तरह से तो आप उसमें डाल के वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में डाल के अपने वीडियो को और गलतियों को या मिस्टेक्स को काट सकते हैं और उसके बाद फिल्टर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये पूरा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन का काम होता है। तो आपको यदि YouTube पर काम करना है तो YouTube पर काम करने के लिए आपको वीडियो एडिटर डाउनलोड करना ही होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। अब दूसरी बात आती है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? यदि आप YouTube पर काम करना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी होगी थंबनेल, कि थंबनेल आपका जितना अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा, आपके वीडियो में व्यूज उतना ज़्यादा आएंगे। तो अब थंबनेल होता क्या है? सभी वीडियो के ऊपर एक फ़ोटो लगी होती है, उसे बोलते हैं थंबनेल। जैसे कोई मूवी देखते हैं तो मूवी के ऊपर जो फ़ोटो लगी रहती है, तो जो वीडियो के ऊपर फ़ोटो लगी होती है उसे हम बोलते हैं थंबनेल। अब दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए भी एक अलग से एप्लीकेशन आता है, जैसे पिक्सल लैब या पिक्सआर्ट या फोटोशॉप, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। तो मैं आपको सिंपल एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा, पिक्सल लैब। तो डिस्क्रिप्शन में हालांकि आपको लिंक मिल जाएगी हर एप्लीकेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यूट्यूब चैनल पर काम करने के लिए। और तीसरा होता है वीडियो अपलोड करना, ठीक है, वीडियो अपलोड करना। अब वीडियो अपलोड करना किसे कहते हैं? जैसे आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर Google से वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो ये होता है डाउनलोड करना। लेकिन जब आप अपने वीडियो बना करके YouTube पर डालना चाहते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं तो उसे कहते हैं अपलोड करना, ठीक है। तो आप वीडियो को अपलोड करना भी आपको आना चाहिए। तो वीडियो अपलोड करने के दो तरीके हैं, या तो आप YouTube एप्लीकेशन से ही अपने वीडियो को YouTube पर डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है क्रोम ब्राउज़र से भी। तो क्रोम ब्राउज़र से वीडियो डालते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये होगा तीन टॉपिक। और अब चौथा टॉपिक है चैनल मैनेज करना। अब जैसे कि आप वीडियो डालेंगे, यूट्यूब पर काम करेंगे, तो आपको देखना होगा कि आपके वीडियो कितने चले, कितने व्यूज आए, ठीक है, और किसने आपके वीडियो को लाइक किया, किसने आपके वीडियो पर कमेंट किया। तो ये सब कुछ आप कहाँ से देखेंगे? एक एप्लीकेशन उसके लिए अलग से होता है, और एप्लीकेशन ये होता है YouTube का ही एप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका नाम है YouTube YT Studio। आप टेंशन ना लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं सभी की लिंक दे दूंगा। आपने जो वीडियो का थंबनेल लगाया पहले तो आपको पसंद नहीं आ रहा या उस पर रैंक नहीं कर रहा आपका वीडियो, तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, तो YT Studio से जाकर चेंज कर सकते हैं। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, टाइटल वगैरह होता है, वो भी सब कुछ होता है। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे या वीडियो अपलोड करना सीखेंगे YouTube पर, तो वहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग क्या होता है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंड। तो आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपनी वीडियो बनानी है या फिर शूट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे को मोबाइल देंगे फिर वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि रोज़ रोज़ किसे कहेंगे आप लोग की मोबाइल पकड़िए, ठीक है, या फिर आप अपने खुद से हाथ में लेकर के और वीडियो शूट करेंगे, तो होगा क्या कि ऐसे में आपका मोबाइल हिल जाएगा तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा, और वीडियो अच्छा नहीं आएगा तो आपका वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि हमारा वीडियो अच्छा आए, क्लियर आए। अच्छा स्टैंड 1500 के आसपास मिलेगा, 1200 से 1500, बाकी सस्ते भी आते हैं 200 300 400 के, तो वो किसी काम के नहीं रहते। अब छठवां पॉइंट ये होता है कि आपकी आवाज़ बहुत मायने रखती है वीडियो के अंदर। तो यदि आप अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, अब पता चला कि आपका कोई दोस्त आ गया या आपके फैमिली मेंबर आ गए, कोई भी आ गया और उसने अचानक से कुछ बोल दिया, या फिर आपका घर कहाँ है, रोड के बगल में है किसी, या मेन रोड के बगल में है, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो आप वीडियो शूट करेंगे तो उनकी आवाज़ आएंगी हॉर्निंग वगैरह की, तो आपके वीडियो में सब आ जाएंगी। तो उन आवाज़ों से बचने के लिए आपका वीडियो क्लियर आए, आपकी वीडियो के अंदर जो आवाज़ है केवल आपकी आवाज़ आए,
तो एकदम क्लियर आवाज़ के लिए, क्लियर वॉइस के लिए आपको एक माइक भी लेना होगा। तो माइक भी आता है 1000 रुपये का, कम से कम 1000 से 2000 रुपये का आता है अच्छा माइक, और आपको ब्लूटूथ वाला माइक लेना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। बजट नहीं है तो आप थोड़ा रुक करके पहले ऐसे ही काम करें, और यानी कि 1 महीने 2 महीने जब आपकी वीडियो चलने लगे, या फिर आपके पास जब बजट बन जाए 2-3 हज़ार रुपये का, तो आप लोग तब इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये होता है। अब लास्ट में आता है सातवां पॉइंट, आप एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई टैक्स रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं किनारे पीछे हरा कलर होगा, ठीक है, तो हरे कलर का आपको एक पर्दा लेना होगा, वो भी 400-500 रुपये का आता है, तो हरे कलर का ले सकते हैं या ब्लैक कलर का भी ले सकते हैं। तो इस पर्दे को ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं। ग्रीन स्क्रीन की मैंने पूरी जानकारी एक अलग से वीडियो में दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि ग्रीन स्क्रीन होता क्या है और ग्रीन स्क्रीन का बेनिफिट क्या है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए एक यूट्यूबर को, लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो उनको ये बेसिक चीज़ें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब आपको यदि चैनल स्टार्ट करना है, तो मैंने हर चीज़ की एक अलग से वीडियो बनाई है, ताकि ये वीडियो 1 घंटे का लंबा ना हो, 1 घंटे 2 घंटे का लंबा ना हो। तो इस वीडियो मैंने कम समय में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, और आपको वीडियो कैसे, अब देखें यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, और वीडियो एडिट कैसे करना है, थंबनेल क्या है, और वीडियो अपलोड करना क्या है, तो मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यदि आप चैनल बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अलग से वीडियो बताया हुआ पूरा प्रोसेस कि चैनल आपको पहली बार कैसे बनाना है, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि चैनल कैसे बनाना है। फिर यही बताया कि वीडियो एडिट कैसे करना है, ये भी मैंने बताया हुआ है दूसरे वीडियो में, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और थंबनेल तो मैंने आपको बता ही दिया थंबनेल क्या होता है। वीडियो अपलोड करना, तो वीडियो अपलोड करना भी मैंने एक अलग से वीडियो में सिखाया है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल मैनेज करना, कि चैनल को मैनेज कैसे करते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ऑलराउंडर यानी कि पूरा का पूरा नॉलेज देने का अपना पूरा प्रयास किया है, जो कि हर एक क्रिएटर को, हर एक यूट्यूबर को स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें पता नहीं, तो आप चैनल पर काम नहीं कर पाएंगे, रैंक नहीं कर पाएंगे, फालतू आपका समय बर्बाद होगा। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ करने के बाद अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो का मैंने पार्ट 2 भी बनाया हुआ है, और कि यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं, तो उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है कि यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं, ठीक है, और यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, कितने व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, कितने सब्सक्राइबर के कितने पैसे मिलते हैं, और यूट्यूब से किस किस तरह से, किस किस तरीके से आप लोग पैसे कमा सकते हैं, और कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी पार्ट 2 में दी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो दोबारा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही टैक्स रिलेटेड और यूट्यूब से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना,